ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमानतुल्ला पर उनके साले की पत्नी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि विधायक ने पिछले 1.5 साल में कम से कम 5 बार उसका यौन शोषण किया। साथ ही पीड़ित महिला ने पुलिस को मामले से जुड़ी CD और पेन ड्राइव भी सौंपी थी। बताया जा रहा है कि CD में आप विधायक और महिला के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इस मामले में रविवार को अमानतुल्ला खान जामिया नगर थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, लेकिन जनता के दबाव में आई पुलिस ने खान को गिरफ्तार नहीं किया था। आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद अमानतुल्ला ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। खान ने पत्र में लिखा था, मुझे और मेरे परिवार को तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। वैसे अमानतुल्ला खान पर पहले से ही महिला को धमकाने का मुकदमा चल रहा है। अमानतुल्ला खान महिला को धमकाने के मामले में जुलाई 2016 में गिरफ्तार भी किए गए थे। फिलहाल आपके एक और नेता पुलिस की गिरफ्त में हैं। विधायक अमानतुल्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप कितने सही हैं ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए DB Live।